हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपको डे टू कराया था, जिसमें आपको बताया था प्रेजेंट हैबिचुअल की क्लास थी। प्रेजेंट हैबिचुअल मतलब मैं कोई कार्य वर्तमान में करता हूँ, ठीक है। इसके ये क्लास कराई थी मैंने, तो आज इसकी प्रैक्टिस भी होगी। और कुछ मैंने आपको सिर्फ एक इसका अफर्मेटिव रूल कराया था, आज मैं आपको नेगेटिव और इंटरगेटिव कराऊंगा। देखिए, मैंने आपको अफर्मेटिव कराया था, आज नेगेटिव कराऊंगा और इंटरगेटिव कराऊंगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड वाला रह जाएगा, उसको मैं अलग से कराऊंगा, उसके एक स्पेशल क्लास कराऊंगा, जो कि बहुत बड़ी हो जाएगी क्लास वरना, इसलिए छोटी क्लास रह जाएगी। तो इसमें तीन पार्ट कराऊंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव। देखिए, इसमें मैंने अफर्मेटिव में आपको पढ़ाया था आई एक्शन मैंने आपको बताया था एक्शन इक्वल टू वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया होती है। देखिए, वर्ब क्या होती है, मतलब वर्ब मतलब क्रिया होती है। देखिए, क्रिया तो कुछ भी हो सकती है, खाने की, जाने की, आने की, सोने की, लड़ने की, बैठने की, उठने की, जाने की, आने की, सो क्रिया है। दिन में बहुत क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो इसी क्रिया के आधार पर हम अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधारेंगे। सिर्फ तरीका सही हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास एक तरीका हो रहा है। देखिए, आई एक्शन का हिंदी मतलब होता है मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई डोंट एक्शन। देखिए, डोंट आई माने मैं, डोंट माने ये एक हेल्प, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। देखिए, डोंट कोई शॉर्ट फॉर्म होती है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है आपको पता लगेगा होगा, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ठीक है। नहीं क्यों है, देखिए, क्योंकि यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट लग गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, डू यू एक्शन क्वेश्चन मार्क लगा, क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, इसका मतलब होता है क्या तुम, देखो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों नहीं आया, देखिए सब मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि यू लग गया है, इसमें मैं नहीं रहा है, ठीक है। तुम माने होता है तुम, क्या तुम कोई काम करते हो, क्या तुम कोई काम करते हो। देखिए, अब एग्जाम्पल्स लें, बहुत सारे उदाहरण से हैं, नहीं कुछ नहीं करना है। मैं कोई काम करता हूं, देखिए, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच मैं पढ़ाता हूं। अगर मैं बोलना है मैं नहीं पढ़ाता हूं, देखिए, आई डोंट टीच, ठीक है। ऐसे ही बोलना है, क्या तुम पढ़ाते हो, आपको किसी को बोलना है क्या तुम पढ़ाते हो, तो कैसे बोलेंगे, डू यू टीच, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है, देखिए, आपको किसी को बोलना है मैं जाता हूँ,
तो कैसे बोलेंगे, आई गो, आई गो। आपको बोलना है मैं नहीं जाता हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट गो, आई डोंट गो। फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है, आप पता भी होगा ऑटोमेटिक एंड टाइम जो, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको बोलना है, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं आता हूँ, आई कम, आई कम। आपको बोलना है मैं आता हूँ तो आई कम, आपको बोलना है मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम। आपको किसी को बोलना है क्या तुम आते हो तो कैसे बोलेंगे, आई सॉरी डू यू कम, डू यू कम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब प्रैक्टिस करते हैं क्लास की, समझ गए हैं आप, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको सिर्फ सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आपको पता है आई, इसमें सब्जेक्ट यू है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के बाद आपको क्रिया जोड़ देनी है। क्रिया मतलब एक्शन, एक्शन कुछ भी हो सकता है, करने का, आने का, जाने का, खाने का, रहने का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्शन को कुछ नहीं करना, ऑप्शन सिर्फ आपको एक्शन जोड़ना है क्रिया के बाद में। आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे आपको पूरा सेंटेंस, पूरा स्पोकन इंग्लिश करना है। देखिए ये पूरा फॉर्मेट है आपका एक क्लास का, इस फॉर्मेट पर आपको आपको सेंटेंस बोलने हैं। जैसे कि अब आप बोलेंगे, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू रीड, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। देखिए डू यू, देखिए इस बार ये इंटरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, शुरू में डू भी आ गया है। देखिए क्या तुम पढ़ते हो, डू, उसके बाद यू लगता है, देखो डू यू, ठीक है, उसके बाद एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है पढ़ने का, मतलब क्रिया क्या हो रही है पढ़ने की, तो क्या हो जाएगा, देखिए डू यू रीड, देखिए डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम या आप क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है। मैंने आपसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो, तो आप उसका रिप्लाई करेंगे कैसे, देखिए आई रीड, आई रीड। अगर आप पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे आई रीड, अगर आप नहीं पढ़ते हैं क्या बोलेंगे, आई डोंट रीड, आई डोंट रीड, ठीक है। देखिए आई डोंट रीड, मैं आपसे पूछता हूं डू यू टेल ए लाई, डू यू टेल ए लाई, क्या आप झूठ बोलते हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं, तो अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई, आई मन में, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं ना। इंग्लिश में देखिए एक चीज समझा देता हूँ आपको, इंग्लिश में दो चीजें होती है, एक होता है आई और एक होता है यू, ठीक है, इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, देखिए एक आई और एक यू। देखिए एक यू, यू अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो तुम हो गए, ठीक है, मतलब आप हो गए, अगर आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके लिए मैं तुम हो गया, ठीक है। और मैं आई माने मैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप क्या हो, तुम हो, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए अगर आप क्लास पे आते हैं, आप और डू यू टेल ए लाई, क्या आप झूठ बोलते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको बोलना है सिर्फ कुछ नहीं करना है, आई जोड़ दे, देखिए एक्शन काम करेगा, इसमें अफर्मेटिव वाला पॉजिटिव वाला, देखिए आई, उसके बाद यू हट जाएगा, देखिए सीधा फॉर्मेट पर काम करना है हमको, ठीक है, आई टेल ए लाई, आई टेल ए लाई, मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद
आपको बोलना है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो निगेटिव वाले फॉर्मेट पर काम करेंगे, आई डोंट उसके बाद सीधा क्रिया जोड़ देंगे, आई डोंट टेल ए लाई, टेल ए लाई, ठीक है। उसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इधर देखे, आई क्लीन द रूम, आई क्लीन द रूम, इसका मतलब आई ये वाला देखिए, इस वाले फॉर्मेट पर काम है, देखिए आई क्लीन द रूम, आई क्लीन द रूम मतलब मैं कमरा साफ करता हूँ, मैं कमरा साफ करता हूँ, आई क्लीन द रूम। अब देखिए मैं कमरा साफ करता हूँ, कुछ नहीं करना है, आई हो गया, ठीक है। एक्शन जोड़ना है, सिर्फ एक्शन क्या हो रहा है, कमरा साफ करने का, ठीक है, मतलब क्रिया हो रही है कमरा साफ करने की, ठीक है। मैं कमरा साफ करता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार आपको बोलना है कि मैं कमरा साफ नहीं करता हूँ, कैसे बोलेंगे, इस वाले फॉर्मेट पर काम करेंगे, देखें निगेटिव वाले पर आई, फिर क्या लगाएंगे, डोंट, उसके बाद एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है, कमरा साफ करने का, तो क्या बोल दें, एक्शन हमारे आपको पता ही है, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, ठीक है। उसी प्रकार आपको बोलना है किसी को कि क्या आप कमरा साफ करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, डू यू क्लीन द रूम, ठीक है, डू यू क्लीन द रूम। तो आपको इस वाले सेंटेंस देखे, डू लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया आपका, उसके बाद आपका एक्शन लग गया, मतलब क्रिया हो गई, क्रिया क्या हुई है, कमरा साफ करने की, ठीक है। एक्शन इक्वल टू क्रिया होती है ना, ठीक है। तो उसके बाद इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मुझे बोलना, मैं आपसे पूछता हूँ, अरे जवाब दीजिए, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। एक दिन मैं आपकी लाइव क्लास भी लूँगा। देखिए मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आप बाजार जाते हैं तो कैसे बनाएंगे, क्या आप बाजार जाते हैं, इस वाले सेंटेंस का तरह बनाइए। देखिए क्या आप बाजार जाते हैं, देखिए क्या आप कोई काम करते हैं, तो हो गया ना, कोई काम करते हैं तो बाजार जाते हैं। देखिए क्या आप या तुम ले लीजिए, क्या आप या तुम बाजार जाते हो, सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्या आप बाजार जाते हो, तो नहीं कुछ नहीं करना है, इसे इंग्लिश में बनाते हैं, डू इसके बाद यू उसके बाद एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है, बाजार जाने का, तो बाजार जाने क्या बोलते हैं, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। आपने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या आप बाजार जाती है, तो आपकी मम्मी बोलेगी, अगर आपकी मम्मी इंग्लिश जानती होगी, नहीं जानती होगी तो आप उनको सिखा देना, ठीक है। और फिर बोलेंगे आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आपकी मम्मी बोलेगी मैं बाजार जाती हूँ, ठीक है। आपने फिर दोबारा पूछा कि आपकी मम्मी क्या आप बाजार जाती है, मम्मी ने कहा नहीं, अगर आपकी मैंने बोला मैं नहीं जाती हूँ तो क्या बोलेंगे, इस वाले सेंटेंस का आधार पर देखें, आपकी मम्मी बोलेंगी आई डोंट गो टू मार्केट, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। आप अपने घर वालों को भी इंग्लिश सिखाइए घर पर बैठकर, बहुत ही आसान तरीका है स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको अपने मम्मी से पूछना है, मम्मी से पूछिए आप,
मुझे पूछना क्या आप भोजन पकाती है, क्या आप भोजन पकाती है, क्या आप भोजन पकाती है, क्या भोजन पकाती है। देखिए तो आपकी आप उन्हें मेरे से पूछना इंग्लिश में पूछना आज जाकर घर पर कि इंग्लिश में बात कर लो उन्हें मुझे, क्या भोजन पकाती है तो कैसे बोलेंगे, डू यू कुक द फूड, डू यू कुक द फूड, क्या भोजन पकाती है। तो आपकी मम्मी इंग्लिश में बोलेगी, हिंदी में बोलेगी, बेटा आप पकाती हूँ, तो आप अगर मैं बोलना घर जाकर मम्मी आप इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलो इंग्लिश में, देखिए इस सेंटेंस के आधार पर मम्मी तब आप मम्मी भोजन पकाते हुए घर में तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई कुक द फूड, आई कुक द फूड, मैं भोजन पकाती हूँ। ठीक है, इसी आधार पर बहुत सारे सेंटेंसेस है, आपको सिर्फ क्रिया जोड़नी है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको किसी को कहना है कि मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है, काम कुछ भी हो सकता है, तो आपको इस वाले सेंटेंस के आधार पर बोलना है। अगर आपका बोलना है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो आपको इस सेंटेंस के आधार पर बोलना है, ठीक है, सिर्फ आई डोंट, ठीक है, सिर्फ एक्शन बदल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोलना है क्या आप कोई काम करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पूछना है, पर्सन पूछना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ आपको इसी सेंटेंस के मतलब इंटरगेटिव के आधार पर बोलना है, ठीक है। उसके बाद कल आपको इसमें इस क्लास की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें आपको कम से कम 50 या 100 क्रियाएं कराऊंगा मैं, ठीक है। और आपका एक रह गया है जिसको बोलते हैं आप क्वेश्चन वर्ड, जो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं, WH फैमिली पूरी कंप्लीट कराऊंगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाले बनाऊंगी, काफ़ी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा बेसिक बता दो अभी, जैसे कि क्या भोजन पकाते हैं, तो उसका इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन। जैसे कि मुझे बोलना है मम्मी आप खाना कब पकाती हैं, मम्मी आप खाना कब पकाती हैं, तो शुरू में मेहनत लग जाएगा, वो कल ही बताऊँगी क्लास में, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। इसलिए देखिए अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो कुछ भी आपको डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, या आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।